चुप रो मत चंदन, प्लीज रो नहीं। क्यों जी, तुमने तुमने उससे शादी कर ली है ना? मुझसे भूल हो गई थी और कोई रास्ता नहीं था। नहीं नहीं, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। मुझे मालूम है मैं बदसूरत हूँ। वो सुंदर है, तुम्हारे काबिल है। मैं तुम्हें लेने स्टेशन गया था, तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम मिली नहीं। मैं ये कह रहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने पिताजी के घर चली जाओ। कैसे चली जाओ? मेरी शादी की उन्हें कितनी चिंता थी, मेरे ब्याह के बाद ही तो उन्हें सुख मिला। अब अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। और अपने बाबूजी को तो तुम जानते ही हो, उन्हें मालूम पड़ गया तो क्या होगा? तो मैं तुम्हारे लिए एक मकान ले लेता हूँ और वहां तुम्हें किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं जी नहीं, मुझे अपने से अलग मत करो। इतना तो अधिकार दे दो कि मैं तुम्हारे पास रह सकूं। वैसे भी इस घर में एक नौकरानी की जरूरत है, मैं इस घर का सारा काम कर दिया करूंगी। तुम्हारी सेवा भी कर सकूंगी, तुम्हें देखती रहूंगी, कितने से भी मेरी झोले में नहीं डालोगे। पर चंदन, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम मेरे पति हो। मैं मंगलसूत्र की कसम खाती हूँ। कर रही हो? हाँ, आज शुक्रवार है ना, मैं हर शुक्रवार को पूजा करती हूँ। अच्छा, अब तबीयत कैसी है? संभल तो गई हूँ, धीरे धीरे और संभल जाऊंगी। हाय राम, बीबी जी तुम नहाकर आई हो, सिंदूर नहीं लगाया तुमने? मैं लगाती हूँ। हाँ? अरे रे, इतना लंबा सिंदूर? हाँ, बड़े बूढ़ों का कहना है सिंदूर जितना लंबा होगा ना, पति की उम्र भी उतनी लंबी होगी। हाँ हाँ। ए बीबी जी, ये क्या कर रही हो? चाय बना रही हूँ। तुम काहे को बना रही हो? मैं बनाती हूँ। अच्छा, जल्दी से ले आओ, किशन को बाहर जाना है। हाय राम, बीबी जी तुम अपने पति का नाम ले रही हो? अरे पगली, आजकल तो सभी लेते हैं। किशन, किशन उठो। अरे उठो ना। क्या यार, तुम भी? ये सिंदूर लगा है या लक्ष्मण रेखा खींची है? ये लक्ष्मण रेखा चंदो ने खींची है। कह रही थी जितना लंबा सिंदूर होता है पति की उम्र भी उतनी लंबी होती है। मुझे तुम्हारी लंबी उम्र के सिवाय और क्या चाहिए? अरे रे, आओ चंदू। मुझे और क्या चाहिए? अरे
अरे माली तू बहुत निकम्मा हो गया है, तुझे खाद लाने के लिए बोला था, लेकर क्यों नहीं आया? अरे भीमा, ए! अबे और रामू के बच्चे! अरे तू कहाँ से आ गया? जेल से आ गया। आजा, 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 आजा। चलो। आजा, आजा, आजा। ला। ये ले कद्दू पकड़। अरे कद्दू तो अपने पेट के साइज का उठा लाया है। ये भी ले। रख दे इधर। ले फली। बैठ जा, बैठ जा। अभी बोल। इधर का रास्ता कैसे भूल गया तू? अरे बस तेरी और बिटिया की याद आ गई, सोचा ले आए। बिटिया की याद आ गई? बिटिया को मिलने के लिए तो अभी 500 कोस जाना पड़ेगा। क्यों? वो अभी बंबई में रहती है, मेरे बेटे की तब्दीली हो गई है वहाँ। अच्छा, किशन बिटिया को अपने साथ ले गया है? अबे घोंचू राम, पति पत्नी को साथ नहीं लेकर जाएगा तो क्या तुझे मुझे लेकर जाएगा? पर रामलाल, आजकल के लौंडे बहुत फुदकते हैं, पाँव में बेड़ियां डाल दो तो गिरफ्तार होकर बैठ जाते हैं। लेकिन दोनों बहुत मजे कर रहे हैं वहाँ। ए भीम, ये तो तूने बहुत बढ़िया खबर सुनाई है। अरे ऐसा जी करता है कि उनसे जल्दी मिल लें। ठीक है, मिल लेंगे, लेकिन अभी तो जरा गर्मा गर्म भोजन करते हैं चटपटा। ना ना, देखो बिटिया के घर का पानी भी नहीं पिएंगे हम। हाँ, लाल पानी तो पिएगा। अरे राम राम, क्या बात करता है। ठीक है, तू खाने का मेरे को 1 रुपया दे देना। ठीक है। तू नहीं सुधरने वाला, गधे का गधा ही रहेगा। और गधे का दोस्त गधा। गधा। अरे ये क्या, पल्लू से जूते साफ कर रही हो? साड़ी गंदी हो जाएगी चंदो। नहीं नहीं, और पवित्र हो जाएगी, मालिक भी तो भगवान का रूप होते हैं। तेरे विचार भी अजीब है चंदो, तू बहुत भोली है रे। आज तो चंदो के पति को ढूंढ के दम लूंगा, साला पाताल में भी होगा ना, खोद के निकाल लूंगा। मोर मचा वेशोर, मेरी सजनी आजा आजा, तुम मेरी सजनी। ये गांव वाला लगता है, ये होगा चंदो का पति। मेरी सजनी आजा, तू आजा। ए, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है रामप्रसाद, लोग कहते हैं प्यार से रामू। और तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? मैं अपनी पत्नी का नाम नहीं लेता। अरे बोलना। चंदू। चंदू मिल गया साला। ए, किसका साला? यहाँ बैठा आंख मार मार के लड़कियों को पटा रहा है, चल पुलिस स्टेशन। ए, पुलिस कायको। कायको, अपने पत्नी को छोड़कर यहाँ मर्डर कैसे कर रहा है? चल चल। नहीं, मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, वो मूंगफली खरीदने गई है। मूंगफली खरीदने गई है, जरा बुलाओ उसको। चंदू। अबे चंदू, मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज बचाओ। अरे छोड़ो मुझे, मेरी लाज बचाओ। क्या हुआ, क्या हो रहा है? मेरी धोती खोल रहा है और ये आदमी बोल रहा है कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ के भाग आया हूँ। अच्छा, पकड़ो इसे, तेरे मुंह में कीड़े पड़े, मेरे पति को ऐसा बुरा आदमी समझता है? माफ करना राम प्रसाद जी, बहन जी आपका नाम चंदो है? हाँ चंदो है। पक्का? बिल्कुल पक्का। गलती होगी भाई साहब, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ भाग रहे हो रसगुल्ले, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है जी। अरे चंदू, निकाल तेरी चप्पल और घन चका। हाँ, कर दी इस आदमी को, मारो इसे, मारो। आप लोग यहाँ बैठे बैठे हंस रहे हैं और मेरी जान जा रही है। रोज सुबह से लेकर शाम तक स्टेशन पर, पार्क में, सड़कों पर चंदू के पति को ढूंढता फिर रहा हूँ। अरे आज तो एक जगह बाल बाल बच गया, वरना जूते खाने पड़ते। कोलंबस को अमेरिका मिल गया, लेकिन मुझे अभी तक चंदू का पति नहीं मिला। चंदू, कहाँ जा रही हो? हमारे पास बैठो, बैठो ना जी। अरे अब तो तुम भी इस घर की हो गई हो, तुम्हारा नाम राशन कार्ड में भी लिखवा दिया है। बैठो बैठो बैठो, बैठो ना। तो श्रीमती जी, अपने किसी रिश्तेदार का पता तो बताइए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ मेरा पति है। तो चलो उसी की शक्ल सूरत बता दो। क्या बताऊं, भगवान जैसी है। तो ऐसा करते हैं कि जितने भगवान है सबकी तस्वीर अखबार में छपवा देते हैं। तुम जिसे भगवान समझती हो, उसने तुम्हें धोखा दिया, भरी दुनिया में अकेला छोड़ दिया। बीपी जी, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने मेरी तलाश की हो, मगर मेरी फूटी किस्मत, मैं उनको नहीं मिल सकी। चंदू, तू बहुत भोली है, हालात से झट से समझौता कर लेती है। तेरे सीने में जुदाई के दहकते हुए अंगारों को मैं देख सकती हूँ, एक औरत होने के नाते तेरा दर्द समझ सकती हूँ। किशन कुछ दिनों के लिए इलाहाबाद किया गए, मेरा सुख चैन सब साथ ले गए। मेरा वक्त तो गुजर गया, लेकिन तेरे पास तो इंतजार का सहारा भी नहीं है।
पति का सहारा छूट जाए तो शरीर से आत्मा निकल जाती है। वो आदमी कितना पत्थर दिल है, कितना बेरहम है। बीबी जी, अरे फूल की पत्ती से तो पत्थर का जिगर भी कट जाता है, मगर तेरा पति किस चीज का बना हुआ है? तेरी मासूमियत और भोलेपन का कुछ भी असर नहीं हुआ उस पर? कितना नीच, कमीना, जलील इंसान है वो। बीबी जी बस करो, मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। मेरा पति भला है, बुरा है, जैसा भी है मेरा पति है। चाहे वो मुझसे दूर हो, फिर भी वो मेरे पास है। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं विनती करती हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे सामने मेरे पति को कुछ मत कहो। मैं नहीं सुन सकती, मैं नहीं सह सकती, मैं नहीं सह सकती। चंदो, अरे ओ चंदो, क्या है बीबी जी? क्या बात है, नाश्ता नहीं दोगी आज? आज नाश्ता, खाना, पानी कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें नहीं मालूम आज करवा चौथ है? करवा चौथ? हाय राम, बीबी जी ये व्रत साल में एक बार आता है। पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत हर पत्नी को रखना पड़ता है। मैंने तो नहीं रखा अभी तक, और मुझे मालूम भी नहीं ये व्रत कैसे रखा जाता है। मुझे मालूम है, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, आओ मेरे साथ। जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा। अरे किशन चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो ना। अरे कहाँ? बता दी चलो। अरे अरे कहाँ जा रही हो? अब क्या करना है? अब चलनी में से चांद को देखो, अब पति को देखो, अब दिए को पीछे फेंक दो। पीछे मुड़कर मत देखना, अब तुम करो। अब क्या करना है? अब पल्लू सर पर लो। आओ पति के पांव छुओ। अब कहो मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, मुझे आशीर्वाद दो। मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, मुझे आशीर्वाद दो। आज मेरे मन को अजीब सी शांति मिली है चंदू, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था। ना मेरी माँ है ना बहन, आज मैं तुम्हें दोनों रूप देख रही हूँ। तुम्हें कौन सा रूप दूँ, माँ का या बहन का? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, आज से तुम मेरी बहन हो। चांद, चांद, चांद है? है? अरे भाई मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। मुझे? मेरा नाम चांद नहीं है, चंदो है। अच्छा बाबा चंदो, चंदो तुम इतना काम करते करते देखकर मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हें यहाँ ना ही लाता तो अच्छा था। जब देखो बस काम काम काम। अरे यहाँ तो कुछ काम ही नहीं है, बटन दबाया सब हो जाता है। तुमको इधर क्या काम है? जब भी कोई नया काम शुरू करना हो तो फूलों को अच्छा शगुन समझा जाता है। अच्छा तुम कौन सा काम शुरू कर रहे हो? इश्क की वादी में पहला कदम रखने जा रहा हूँ। पहाड़ पर जाओगे?
बहुत ऊपर मत जाना, गिर पड़ोगे। बात नहीं बनी, लगता टाइम लगेगा। क्या बोले? नहीं नहीं वो कुछ नहीं, वो बात ये है कि जब मैं आ रहा था ना तो एक बेचारी फूल वाली ये फूल बेच रही थी, तो मुझे तुम्हारी चुटिया याद आ गई। क्या चुटिया है तुम्हारी, पांच हाथ की लड़ी ले आया हूं तुम्हारे लिए, दो तीन बार लपेट लेना और भी खूबसूरत हो जाएगी। लो। नहीं। अरे ले लो। नहीं, फूल तो औरत का श्रृंगार होते हैं। लो। नहीं। अरे अरे ले लो, कम ऑन, डोंट फील शाय, बहुत मुश्किल से आया हूँ तुम्हारे लिए। लो लो, रखो रखो रखो। अरे तुम ये किचन में क्या कर रहे हो? मैं बताता हूँ बताता हूँ, अभी आ रहा हूँ। मैं बताता हूँ बताता हूँ, म्यूजिकल टच, किसी से कहना मत, मैं इसका लाइसेंस अप्लाई कर रहा था। क्या बकता, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे आपको क्यों तकलीफ हो रही है साहब, ये हम दोनों का प्राइवेट मामला है। देखो दीपक, ऐसी जलील हरकत मत करो, शरीफों के घरों में ऐसा नहीं होता। शरीफों के घरों में क्या होता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पहले तांग झांक, फिर नजरों का टकराव, फिर प्यार का तूफान और फिर शादी। अब शादी के बच्चे जूते पड़ेंगे मुंह पे। भी मैं हार समझ के पहन लूंगा। और एक बात और, शादी का सारा इंतजाम तो आपको ही करना है, क्योंकि मैं तो दूल्हा बना रहूंगा, फिर आपको बारात के साथ भी चलना है, बैंड बाजे के साथ। फूल बहुत पसंद है तुझे, खबरदार जो किसी से कोई चीज ली तो याद रखना, जान से मार डालूंगा तुझे। लो, मैंने कुछ किया भी नहीं फिर भी गुस्सा करते हैं। इस बात को